आईपीएल 2023 का पहला मुकाबला खत्म हो चुका है। गुजरात और सीएसके के बीच में हमें कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिसमें गुजरात ने बाजी मार ली और लगातार 3 बार चेले ने गुरु को हरा दिया। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी श्रद्धा पांडे। देखिए, आईपीएल साल 2023 का धमाकेदार आगाज हो चुका है। पहला ही मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। बल्लेबाजी करने का फैसला ना करते हुए हार्दिक पांड्या ने टॉस जीत कर गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि उनको पता था कि भैया ड्यू आएगी इस मैदान में, इसीलिए उन्होंने आमंत्रित किया सीएसके को कि आप आइए और बैटिंग कीजिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने 178 का टारगेट खड़ा कर दिया था और लक्ष्य जो है 178 का दे दिया था गुजरात टाइटन्स को। हार्दिक पांड्या की टोली को, जिसके बदले में हार्दिक पांड्या की टोली ने इस मुकाबले को 5 विकेट से अपना बना लिया है। और गुरु के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ते हुए चेला यानी हार्दिक पांड्या हमें नजर आए, गुरु यानी धोनी के ऊपर ही। फिलहाल आपको इस वीडियो में बताते हैं कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड राशिद खान ले गए, लेकिन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान धोनी ने ये बता दिया कि गलती कहाँ हुई भैया, कहाँ वो चूक गए। इतनी बढ़िया बैटिंग लाइनअप, इतने धुआंधार ऑलराउंडर्स होने के बावजूद भी आखिर हो क्या गया इनको, गलती कहाँ से हो गई। तो धोनी ने शुरुआत में सबसे पहले ये कहा कि देखिए, हमें पता था कि इस मैदान में ड्यू आएगी और जनरली मार्च और अप्रैल मई जून ये वाला जो टाइम होता है, इस टाइम पे आर्द्रता ह्यूमिडिटी ओस का आना बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है और हमें पता था ये होगा, जैसे पिछले सीजन हुआ था। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि हम लोग बल्लेबाजी में कहीं पीछे छूट गए थे, हमारी बैटिंग लाइनअप जो है बहुत ही ज़्यादा खराब थी, हम बल्लेबाजी से थोड़ा सा और कुछ कर सकते थे जो कि हमने नहीं करा। क्योंकि आप देखिए, बेन स्टोक्स, मोइन अली, डेवोन कॉनवे, रविंद्र जडेजा, इनसे बहुत उम्मीदें थी, इन्होंने कुछ परफॉर्म नहीं किया, तो बड़े ज़्यादा नाखुश जो है धोनी नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने ऋतुराज गायकवाड की बड़ी तारीफ की, क्योंकि 92 पर देखिए ऋतुराज गायकवाड खेल रहे थे, अनफॉर्चुनेट रहे कि आउट हो गए, नर्वस 90s का शिकार हो गए थे, लेकिन MS धोनी ने बहुत तारीफ करी ऋतुराज की, भैया कि ऋतुराज बॉल को जिस तरीके से टाइम करते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऋतुराज अपने लिए विकल्प तलाशता रहता है, अपने लिए ऑप्शन तलाशता रहता है कि मैं कहाँ मारूँ, कहाँ जो है बॉलर मुझे बॉल फेंकेगा और मैं कौन सी जगह बल्ला अपना घुमा के मारूंगा। तो ऋतुराज की बेसिकली बहुत तारीफ करते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने राजवर्धन हंगरगेकर की भी बहुत तारीफ करी, क्योंकि आप जानते हैं उनका ये डेब्यू हुआ था हंगरगेकर का इस मैच में, उनका और साथ ही साथ बेन स्टोक्स का। बेन स्टोक्स तो अपने डेब्यू में सीएसके की तरफ से कुछ धमाल नहीं मचा पाए, लेकिन राजवर्धन हंगरगेकर ने एक लोहा मनवा दिया। जो पेस उनके पास है उसकी तारीफ करते हुए माही नजर आए। माही ने कहा कि देखिए, हमारी टीम यंगस्टर्स को बहुत प्रमोट करती है और यंगस्टर्स की आने वाली टीम है, तो यंगस्टर्स के रूप में ऋतुराज और राजवर्धन हंगरगेकर दोनों ने ही बहुत अच्छा धमाल मचाया। हंगरगेकर ने बॉलिंग से और ऋतुराज ने बल्लेबाजी से, लेकिन फिर भी बैटिंग में थोड़ा सा नाखुश जो है धोनी नजर आए। साथ ही साथ धोनी ने कहा कि देखिए, नो बॉल इस बार सीएसके के खेमे से इस मैच में हमें दिखी काफ़ी ज़्यादा नो बॉल डलती हुई। तो उन्होंने कहा है कि देखिए, डेफिनेटली नो बॉल हमारे कंट्रोल में थी, आगे हम इसकी कोशिश करेंगे कि आगे वाले आने वाले जो मैचेस हैं उसमें हम लोग नो बॉल देने से बचे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, हमें 2 लेफ्ट आर्मर्स की जो है ज़रूरत थी, इसलिए हमने शिवम दुबे को उस पोजिशन में उतारा। और आपको ये भी बता दे कि पहली बार आईपीएल के इतिहास में ऐसा हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी 8वें नंबर पर खेले। आप सोचिए कितनी ज्यादा बैटिंग थी, बट फिर भी देखिए दिन खराब था, मैच हार गई सीएसके की टीम। तो ये कुछ महेंद्र सिंह धोनी ने कहा। हालांकि देखिए, कभी गलतियां महेंद्र सिंह धोनी अपने टीममेट्स पे कभी गलती नहीं लाते कि भैया इनकी वजह से हुआ, हमेशा स्टैंड स्टिल होके अपनी टीम के आगे के लीडर के तौर पे खड़े रहते हैं, अपने टीम वालों के ऊपर कभी भी हार का ठीकरा नहीं फोड़ते, यही शायद खासियत है महेंद्र सिंह धोनी की। तो ये कुछ कहा धोनी ने। ऋतुराज और हंगरगेकर से काफी इंप्रेस्ड नजर आए, बट एक गलती
जो महेंद्र सिंह धोनी ने कही कि जो हम लोगों से हुई वो थी कि बैटिंग में हम लोग इतना योगदान नहीं दे पाए, अकेला बेचारा ऋतुराज क्या ही जो करता, औरों ने कुछ इतना खास प्रदर्शन नहीं करा, शायद इसी चूक यही चूक हो गई। और साथ साथ आपको हार्दिक पांड्या का भी जाते जाते बता देते कि उन्होंने कहा क्या कहा। हार्दिक ने देखे पहले ऑब्वियसली राशिद खान की बहुत तारीफ करी, राशिद करामाती खान की तारीफ करी, राहुल तेवतिया की तारीफ करी, क्योंकि अंत में ये दोनों ही बचे हुए थे, नाबाद लौटे हैं और दोनों ने जिस तरीके से मैच को पलट दिया था, मतलब मजा आ गया था इनकी बैटिंग देख के। हार्दिक पांड्या बहुत ज्यादा खुश नजर आए, बहुत ही ज्यादा खुश नजर आए अपनी इस जीत पर। तो ये कुछ था आज का भैया लेका चिट्ठा लेकर, जो भी आप कहना चाहें आप कमेंट्स करके अपनी राय बताइए, साथ ही साथ बताइए कि गुजरात की तीसरी जीत है ये सीएसके के ऊपर अब तक की, दो पिछले सीजन की और इस वाले मतलब एक आज के सीजन की, और कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं गुजरात से ये भी बताइएगा, साथ साथ कि अगले मैचेस में अगला जो सीएसके का मुकाबला है उसमें क्या सीएसके बाउंस बैक कर पाएगी, क्या सीएसके अगला मुकाबला जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, या फिर साल 2022 की तरह फिसड्डी हो जाएगी, जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।